हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सारियानू सत श्री अकाल। होर की करदे सारे? चलो आज थानू मैं स्पेशल मैकरोनी बनाना सिखावांगी और बहुत चटपट। आज तुसी मैकरोनी दे इनग्रीडिएंट बहुत ही घट हैगे, तुसी चेक करो पहला की पैंदा मैकरोनी दे विच। असी दो प्याज लवांगे, उन्हें लंबे लंबे कट लवांगे और लसन थोड़ा क्रश करके, लसन थोड़ा ज़्यादा पेगा जिस तरह दो चम्मच ला लो तुसी, और शिमला मिर्च उसमें थोड़ी मर्जी लंबा कट लो, पतला पतला स्लाइस जिस तरह, या स्क्वायर कट लो जिस तरह भी। और मैकरोनी नू मैं पहला ही बॉयल करके रख लिया। बॉयल करते समय इस नमक पा लिया से पानी दे विच, और थोड़ा जो दो टेबल स्पून ऑयल, और फिर वो ना चिपकदा नहीं है। हाँ, ये बनेगा क्रीमी मैकरोनी। चलो आओ हम थानू मैं बना के दिखाव, बहुत ही जल्दी बन जाता है। बच्चों बाहर खाने का अवॉइड कर, घर बना के दो इस तरह चीज़ा, बहुत थोड़े टाइम के तैयार हो जाती है क्रीमी मैकरोनी, बिल्कुल टेस्ट आएगा रेस्टोरेंट वर्गा। रिफाइन ले लो तुसी, दो चम्मच रिफाइन दे, थोड़ा बड़ा टेबल स्पून, और दो चम्मच पानी रिफाइन दे, गर्म हो जाए। असी चेक करांगे साडा ऑयल गर्म हो चुका, हुण अस पहला इहदे विच पावांगे लसन जो ब्रश किया हुआ सी ना, हल्का हल्का जब कलर चेंज हो जाए फिर ये असं अनियन चॉप किया पा देवे। नाल ही असी जो शिमला मिर्च चॉप की हुई सी, और ये देखो मैं ग्रीन चिली भी पाई हुई है स्लाइस करके, इसे दो तुसी पा सकते हो। हाँ जी, देखो थोड़ा हरी शिमला मिर्च है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया प्याज और शिमला मिर्च। अच्छा, एक ये जो आप बना रहे हैं क्रीमी मैकरोनी, ये इनग्रीडियंट भी बहुत घट है और बनती बहुत ज़्यादा टेस्टी है। असी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक पा देवे, जिस तरह जिस तरह मैकरोनी बॉयल की थी ना, वो भी नमक पाया सी, उस हिसाब के नाल भी प्याज और सब्जी उस हिसाब पाना, नमक ज़्यादा ना हो जाए। इन बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, थोड़ा जहा जिस तरह ना सब्जी नू खड़ा खड़ा ही रखना है, प्याज और शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, तो जिसका क्रंची रह जाएगी। हुण असी इहदे विच पावांगे ब्लैक पेपर, ये भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, मैं इहदे विच दो चम्मच पावांगा और ज़्यादा ही जाएगी इहदे विच ब्लैक पेपर। और एक चम्मच एना चीनी का, छोटा जहा चम्मच, थोड़ा ये मैजिक ट्रिक चीनी पाने का, ये नहीं सोचना पड़ने कि बनेगा कि नहीं, क्योंकि बस ये तीन मेन इनग्रीडियंट्स, क्रीम, ब्लैक पेपर एंड शुगर, इस करके ये मैकरोनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गई है। हम असं पावे मैकरोनी, बॉयल की हुई मैकरोनी, चंगी तरह मिक्स कर लो।
ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ज़्यादा टाइम नहीं लगना क्योंकि साड़ी पहले मैक्रोनी बॉयल हो गई थी सॉफ्ट रहेगी साड़ा मसाला भी इन्ना टाइम नहीं लगना शिमला मिर्च प्याज में रेडी होने लिए और इस तो बाद बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इनग्रीडियंट जिस करके साड़ा मैक्रोनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी वो हैगी क्रीम फ्रैश क्रीम तुम रेडीमेड दूसरी भी ले सकते मार्केट में मिलती है लेकिन मैं फ्रैश क्रीम यूज कर रही हूँ दूध विचों कट के हाँ जी ये भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी एक कटोरी हम थोड़ा जहा मिक्स करके फिर मैक्रोनी दे विच मिक्स कर देनी हम बाद तो गैस में थोड़ा स्लो कर दिया और तुसी कलर देखना ये देखने को ही बहुत टेस्टी स्वादिष्ट देखो इन सोहनी लग रही है खाने देखो इन लग रही है अच्छा तुम ट्राई जरूर करना ही नहीं करना कुछ खास इन्ने इनग्रीडियंट नहीं पैंदे पर इन्ना ही पैंदा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते एक बार बना के जरूर देखना तुम सा क्रीमी मैक्रोनी रेडी हो गया खाने लिए हूँ आप सर्व करके दिखावा हार्डली 10 मिनट लगते हैं मैक्रोनी मेरे को बस जैसे 100 ग्राम मैक्रोनी है सौ ग्राम की क्वान्टिटी चार सर्विंग हो जाती है वैसे ये साड़ी मैक्रोनी रेडी हो गई खाने लिए तैयार है बहुत टेस्टी टेस्टी मैक्रोनी अच्छा मैं इन्हें डेकोरेट करूँगी बेसिल लीव्स के नाल स्पेशल सर्विंग किस तरह की लगी थानू मेरी क्रीमी मैक्रोनी और ट्राई ये रेसिपी ट्राई जरूर करना और करके बना के टेस्ट करके देखना और मैनू कमेंट जरूर करना थैंक यू।